गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अरविंद सिसोदिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ सत्य केतु के ऑनलाइन डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज के लिए हम आपके लिए वापस वही 15 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो हमने कल ऑनलाइन ऐप पर प्रोवाइड करवाई थी। जल्दी से ज्वाइन कीजिए और सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार क्या प्रश्न कहाँ से लिया गया और क्या उत्तर उसका होगा। धन्यवाद, जल्दी से आइए ज्वाइन कीजिए बच्चों। फास्ट तोलाराम चौधरी आ गए, बिल्कुल जल्दी से शुरू कर रहे हैं भैया। प्रश्न पहला पढ़िए बच्चों। प्रश्न पहला क्या कहता है? प्रश्न पहला है, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? किसकी उपाधि थी बच्चों लोकनायक? बाल गंगाधर तिलक की थी, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय या चित्तरंजन दास? इनमें से लोकनायक की उपाधि किसकी थी? प्रश्न आराम से पढ़ना, मुझे पता है गलती आप जरूर करोगे। जय हिंद जय हिंद। चलिए, हाँ भैया जय हिंद। बी बी सभी का आंसर बी आ रहा है। लूणाराम लूणाराम जानी, दौलाराम चौधरी, बी 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 आ रहा, बी जयप्रकाश नारायण आ रहा है लोकनायक, और किसी का तलाराम चौधरी भी ठीक है। साहिल शर्मा जय हिंद, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्या आंसर होगा आपका? देखिए, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों? जय प्रकाश नारायण। कौन है भैया? जय प्रकाश नारायण है, वो लोकनायक नाम से प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर तिलक को लोक मान्य, भैया बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता था? भाई लोकमान्य, इनका पूरा नाम ही ऐसे लिया जाता था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब आ जाइए लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी। किस नाम से भाई? पंजाब केसरी। ठीक है भैया, अब देखिए, अब चित्तरंजन दास का मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या है, जल्दी देखिए। ठीक, पंजाब केसरी सही है। हाँ भैया, पंजाब केसरी देश बंधु सी आर दास। हाँ भैया जल्दी से आ जाइए, क्या है? देश बंधु, वेरी गुड। ठीक है, देश बंधु देश बंधु देश बंधु सभी का आंसर आ रहा है। चित्तरंजन दास देश बंधु, क्या है भैया? देश बंधु। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक थे, अजय भैया जल्दी से कमेंट कीजिए आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से हमें बताइए। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे भाई? कलण भास, मधुसूदन दत्त या विष्णु शर्मा? ठीक है भैया, जल्दी से कमेंट कीजिए। थोड़ा फास्ट चलें, फास्ट तो चल ही रहे हैं भैया, हम तो फास्ट ही हैं, आप फास्ट हो जाइए, कमेंट में कमी ना रखे, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए जी। साहिल हेमंत, साहिल वर्मा ए ए ए सभी का, गजेंद्र सिंह भाटी ए, धोलाराम चौधरी ए, देववंश यादव ए, साहिल ए, लूणाराम ए। ठीक है, सभी का ए आ रहा। कौन भाई? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे बच्चों? राज तरंगिणी के लेखक थे आपके कलहण। अच्छा, विष्णु शर्मा किसके थे ये बताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
आर्मी के लेवल का है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। जिम्मन थे लियो भाई, गांव में नहीं आई जे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, समय का अभाव है, आप यहीं आ जाइए, हम दोनों बैठकर जिम लेंगे, ठीक है भैया। विष्णु शर्मा का जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा कौन थे भैया, विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। पंचतंत्र, गजेंद्र सिंह भाटी पंचतंत्र, ठीक है। मुकेश पंचतंत्र, ठीक है। धोलाराम, लोनाराम सभी पंचतंत्र, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए हैं, ठीक है। आप सभी का आर्मी में सिलेक्शन पक्का है, जहाँ तक मुझे लगता है जीके के आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, कंटिन्यू आप क्लास ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है भैया, किस वेद में कृषि पद्धतियों का वर्णन है। अब देखते हैं आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, जल्दी से आइए। हाँ भैया आ जाइए। क्या है भाई, कृषि का वर्णन किस वेद में मिलता है भाई, किस वेद में कृषि पद्धतियों का वर्णन मिलता है भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है भाई। आए ए ए ए ए ए सभी, गजेंद्र, रंजीत सिंह, चंदावत सभी का, ए साहिल वर्मा, ए मुकेश, गुलाब बना, तंवर, ए ठीक है, साहिल वर्मा, ऋग्वेद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया, जोरदार, मानना पड़ेगा बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ऋग्वेद, ए आंसर इसका सही होगा। क्या होगा भैया, कृषि पद्धतियों का वर्णन हमें किस वेद से मिलता है भैया, ऋग्वेद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, जल्दी से देखते हैं। आ गया नेक्स्ट, भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सा भैया, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक, कमेंट देख लेता हूँ आपके क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तलाराम चौधरी बी, लूणाराम ए, ठीक है, साहिल वर्मा सी, वापस डिलीट, एवी बी, बी क्या भाई, स्वदेशी बैंक पूछा है, प्रश्न सही से पढ़ लेना भैया, उत्तर सही, आंसर सही दीजिए मुझे, सभी का बी आ रहा है, साहिल वर्मा बी, साइड में लॉक का निशान, बहुत अच्छे बात, लॉक कर दें, ठीक है भैया लॉक कर देते। क्या भाई, भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सा है बच्चों, भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है भैया, पीएनबी बैंक है वही, भारत का सबसे स्वदेशी बैंक, भारत का पहला स्वदेशी बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भैया, अरे ये रहा आपके प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है भाई, नीति आयोग हाल ही में लागू हुआ था, हाल ही मतलब कुछ सालों पहले लागू हुआ था, नीति आयोग का उद्घाटन किया गया था, जिसमें बताइए मुझे उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, जल्दी बताइए, कमेंट कमेंट में कोई कमी ना रखें, क्या लगता है आपकी, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ टाइपिंग बढ़ती है, स्पीड बढ़ेगी, अच्छा रहेगा, एग्जाम अच्छे से करोगे, सी 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 सी, लूणाराम, रंजीत, साहिल, ठीक है, ए बी, ए बी, वी कहाँ से आ गया, ऑप्शन ही नहीं है भैया, अब सी आया वापस, रंजीत सिंह, सी सी सी, रंजीत सिंह, ठीक है, दलाराम चौधरी, 1 जून 2015, ठीक है भैया, किसका हुआ था, 1 जनवरी 2015, ठीक है, सही है,
ठीक है, प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी, सही बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, सी आंसर है, वो एकदम राइट है आपका। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते भैया? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ भैया? कमेंट जल्दी से कमेंट पास कीजिए हमें। बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है भाई? दिल्ली, आगरा, जबलपुर या लखनऊ? उत्तर बताइए। एमपी, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, होता है। बायोटेक्निकल, अच्छा जबलपुर से आप एमपी कर रहे हो, ठीक है। और डी, सी आर्मी लवर, ए लूणा राम जानी, डी ठीक है, ठीक है जल्दी से। हाँ भैया, तो रंजीत सिंह, चुंडावत और दौलाराम चौधरी, डी आ रहा है, एवी का भी डी आ रहा है, महेंद्र गोरा नहीं, मालाराम गोरा, ठीक है, डी डी डी, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से सेशन को आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा आपका, डी। कौन भाई? लखनऊ। बायोटेक्निकल, बायोटेक्निकल इसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बायोटेक क्या पूछ सकते हैं? बायोटेक, बायोटेक इंस्टीट्यूट, बायोटेक इंस्टीट्यूट, बायोटेक इंस्टीट्यूट कहाँ उपस्थित है, कहाँ है? ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, बायोटेक्निकल भी लिखा हुआ आ सकता है। आपका ऑप्शन, आपका उत्तर क्या रहेगा भाई? लखनऊ रहेगा, लखनऊ आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या प्रश्न है। ये लीजिए, हैदराबाद कौन सी नदी के, सबसे ईजी क्वेश्चन, इस प्रश्न पत्र का सबसे सरल क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नदियों से रिलेटेड है। कौन सा स्थल नदियों के किनारे है? ठीक है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है भैया? प्रश्न आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट पास कीजिए, मैं भी देखता हूँ आपको कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। हाँ भैया, आंसर बताइए अपना, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ठीक है, गंगा, जमुना, मूसी या महानदी? ठीक भाई, मूसी नदी, सी 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 सी, भर दिया है, भर दिया है, कमेंट बॉक्स भर दिया है सभी ने, क्या बात है। हाँ, ऐसे कमेंट आने चाहिए, वाह वाह, मज़ा आ गया। सीसीटीवी, मालाराम, वेरी गुड, हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे हैं। गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थल है भाई? कौन सा शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे, कौन सा शहर है मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। जमुना कौन सी नदी है ये बताना मुझे, ठीक है। महानदी कहाँ पर स्थित है, महानदी का सर्वाधिक भाग किस राज्य में, ये बताइए मुझे। पहले तो ये बताइए, गंगा नदी के, गंगा नदी पर कौन सा शहर स्थित है, कमेंट कीजिए जल्दी। कानपुर और ज्ञान सिंह राठौड़ कानपुर, साहिल वर्मा कानपुर, धौलाराम चौधरी हरिद्वार, गजेंद्र सिंह भाटी पटना कानपुर, ऋषिकेश ज्ञान सिंह भाटी, ठीक है, कानपुर पटना हरिद्वार, वेरी गुड वेरी गुड। और तोलाराम चौधरी पटना, ठीक है, वेरी गुड। इंडियन आर्मी, इंडियन बॉय, बनारस पटना, भागलपुर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही रहता है, वो होता है हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है भैया, समझ रहे हो। जमुना नदी को
किस नाम से जाना जाता है भारत में? भारत में जमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न उल्टा पूछा है ताकि आपको भी याद रहे। ठीक है, महानदी, हरिकुंड बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा, ठीक है, यमुना दिल्ली, ठीक है, कन्नौज, बनारस, ठीक है भैया। हाँ भाई, बनारस। काला नाला कहाँ से? काला नाला जमुना, यमुना नहीं है, जमुना भैया, काला नाला नहीं है। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और कोई? चलिए ये बताइए मुझे, आपसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2 मिनट आपका मैं लूँगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये मुझे कमेंट कीजिए जल्दी से आप। नेक्स्ट रुकिए, अभी पहले मुझे आंसर तो कंफर्म कीजिए। आप कौन सा कुछ उल्टा ही सोच रहे हो, उल्टा ही बता रहे हो। ठीक है जी, हाँ तो बताइए मुझे, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? हाँ भैया जल्दी से कमेंट कीजिए। पद्मा, गंगा, गंगा को पद्मा कहते हैं, ठीक है। संयुक्त धारा को मेघना, ठीक है। जी नेक्स्ट, कमेंट कीजिए जल्दी से। जमुना एंड पद्मा, ठीक है। हाँ भैया, गुलाब जामुन, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जमुना, ठीक है, गंगा को पद्मा, ठीक है, वेरी गुड। तो जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, ठीक है भैया, ब्रह्मपुत्र। मूसी, महानदी, अच्छा मूसी का तो ये हो गया हैदराबाद वाला। महानदी का बताइए, महानदी आपके उड़ीसा में कहाँ है भैया? उड़ीसा, ठीक है। और इस पर हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है भैया, ये महानदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, अब स्पीड बढ़ेगी आप भी और मैं भी बढ़ाता हूँ अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है भाई? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या महात्मा गांधी? जल्दी से कमेंट पास कीजिए मुझे, देखते हैं। महानदी उड़ीसा, अब नदियों को भूल जाइए, अब आ जाइए इस पर, किस पर? यहाँ भाई, भारत रत्न पर आइए। भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न प्रथम बार किसे दिया गया? प्रथम व्यक्ति वो कौन है जिसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया?
आंसर बताइए जल्दी से। ए ए ए सभी का ए, मगा राम ए, योगेश ए, साहिल वर्मा ए, ज्ञान सिंह राठौड़ ए, सभी का आंसर ए, और ए एकदम करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए भैया आपको यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये लीजिए, ये आ गया नेक्स्ट। नेपोलियन की तुलना प्राचीन भारत के किस सम्राट से की गई है? ठीक है भैया, नेपोलियन की तुलना प्राचीन भारत के किस सम्राट से की गई है? बच्चों जल्दी से कमेंट पास कीजिए, एक मिनट का भी समय नहीं है आपके पास, एक मिनट के अंदर अंदर कमेंट मुझे दे दीजिए। ठीक है भैया, नेपोलियन की तुलना, ठीक है, जैन ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, सी सी आंसर, धौलाराम चौधरी ने दिया सी, समुद्रगुप्त, ठीक है, और कोई सी, सी सभी का सी यार, सभी का सी आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ओके, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सी, समुद्रगुप्त। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लाइक कमेंट शेयर जल्द से जल्द करते जाइए। इस सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। कहाँ पर भैया? सत्य केतु के टेलीग्राम चैनल पर। सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है भैया? चलिए उत्तर बताइए, अवनाद, सुधीर, सुशीर, घन या तार वाद्य? चलिए मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। अरे गंगा पद्मा, अब उनको भूल जाइए, इतनी बार नदियों को मत लाइए। ठीक है, डी 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 सभी का डी आ रहा है। कौन भाई? धोलाराम, ज्ञान सिंह, धोलाराम, सभी का डी 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 डी, ठीक है, महिपाल, ए वी इंडियन आर्मी, ठीक है, डी तारवादी, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। क्या है भाई? सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तारवादी। तमाशा किस प्रदेश में खेला जाता है? तमाशा किस प्रदेश में खेला जाता है? ठीक है, ये लोक नृत्य है आपका एक तरह से। ठीक है, चलिए आंसर बताइए, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल या मणिपुर? प्रश्न थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। चलिए भाई उत्तर कमेंट कीजिए जल्दी से, जहां मुझे और अधिक आवश्यकता होगी आपको समझाने की वहां आपको समझाएंगे। सर तीन नंबर को एक्सप्लेन करना, किसको? बंगाल को, अभी किसको एक्सप्लेन करूँ भैया? ठीक है, वो प्रश्न चला गया, अब ऑफलाइन में करेंगे। ठीक है भैया, ए ए ए सभी का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, महाराष्ट्र, हाँ, वेरी गुड। तमाशा किस प्रदेश में खेला जाता है? तमाशा किस प्रदेश का नृत्य है? तो भैया महाराष्ट्र का है आपके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 5 मिनट शेष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ किस प्रदेश में स्थित है भाई? सारनाथ आपके किस प्रदेश में स्थित है? जल्दी से कमेंट पास कीजिए मुझे। सारनाथ का बताइए मुझे, जल्दी से बताइए भैया। ए मध्य प्रदेश बता रहे हैं, ए किसका बता रहे हो भैया? सारनाथ का बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, सारनाथ किस प्रदेश में स्थित है? 5 मिनट शेष रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले। आपको आगे 2-4 क्वेश्चन और भी करवाने हैं, समझाने हैं, उसका भी सॉल्यूशन देना है। एमपी, बी 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 सभी का बी आंसर आ रहा है। ठीक है भैया, आंसर आपका एकदम करेक्ट है। क्या होगा भाई आंसर? क्या है भैया आपके? बी, उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ स्थित है भैया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, आपको सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है भैया? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या असम? जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या असम, कामाख्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है भैया?
गुलाब सिंह तंवर, असम रवि कपूर, असम गजेंद्र भाटी, ठीक है, डी 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 सभी का आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहो आप, बस ऐसे ही पढ़ो ऐसे ही बढ़ो, जोरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है भैया आपके? असम में, गुवाहाटी में, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया, महाभारत का अन्य नाम। चलिए भैया, महाभारत का अन्य नाम बताइए। अरे बताइए भैया, महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, आर्यव्रत, जय संहिता, जम्बूद्वीप या इंडिका, जल्दी से कमेंट पास कीजिए मुझे, मैं भी देख के बताता हूँ आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में, महाभारत के बारे में। ठीक है भैया, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, महाभारत का अन्य नाम क्या है? आर्यव्रत, जय संहिता, जम्बूद्वीप या इंडिका, जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे। सभी का आ रहा है जय संहिता, जय संहिता, बी बी बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही चलते रहिए भैया, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका सॉल्यूशन हुआ आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आपने पढ़ा, ठीक है। आंसर क्या होगा? जय संहिता, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, मैं अरविंद सिसोदिया कल फिर इसी समय आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जुड़े रहिए हमसे, सत्यकेतु के ऑनलाइन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए सभी, एवं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है भैया। हमारी जितनी भी सोशल साइटें हैं वहाँ पर सभी पर आप लिंक हो जाइए, ताकि आपको आर्मी से रिलेटेड सारा अच्छा से अच्छा मैटर हम आपको प्रदान करवा सकें, ठीक है भैया, धन्यवाद।